रेवाड़ी जिले में डेंगू ने पूरी तरह पांव पसार दिए हैं। इस बार हालात और भी गंभीर नजर आ रहे हैं। डेंगू ने अपने ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्थिति पर नियंत्रण होने का दावा किया जा रहा है। पिछले साल मिले अब तक के सर्वाधिक 324 केसों का आंकड़ा पार होकर 371 पहुंच गया है, जबकि मलेरिया के 7 मरीज मिले हैं। पिछले 9 साल की बात करें तो ये डेंगू का सर्वाधिक आंकड़ा है। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ इंस्पेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर ने डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू का लार्वा मिलने पर 6 लोगों के चालान काटे गए हैं और कईयों को नोटिस दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक 4,745 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 371 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं इस बार शहरी क्षेत्र में 200 के करीब मरीज मिल चुके हैं। हालात ये है कि इस साल डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2021 में 2022 में जिले में डेंगू के 300 से ज्यादा केस मिले थे, जिससे हालात ज्यादा खराब हो गए थे, परंतु इस बार हालात और भी खराब है। आंकड़ा 370 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों के सैंपल लेने की कार्रवाई की जा रही है। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। टीम घर व उनके आसपास भरे पानी में मच्छरों के लार्वा की जांच की जा रही है। लार्वा मिलने पर टीम ने अभी तक 50 लोगों को नोटिस भी दिए हैं। साथ ही लोगों को भी चेताया जा रहा है कि वही घरों के बाहर और अंदर पानी जमा न होने दें, क्योंकि डेंगू मच्छर साफ पानी में ही पनपता है। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर विद्यासागर, फिलहाल डिस्ट्रिक्ट में मलेरिया प्रोग्राम को देखने लग रहा हूँ। तो इसके साथ साथ जो भी हमारे वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, वो सब हम कवर करते हैं। यदि हम इस बार इस सीजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये जो 2 महीने होते हैं हमारे, ये मलेरिया डेंगू के का सीज़न बोला जाता है इसको। इसके मामले में हमने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है इस चीज़ को, डेंगू और मलेरिया के केस को कंट्रोल करने के लिए। यदि सिविल सर्जन के दिशा निर्देश के अनुसार हमने डेंगू को कंट्रोल करने के लिए अपने फील्ड की सारी टीमों को एक्टिव कर रखा है, और उनके कंटिन्यू एफर्ट्स की वजह से हमारे जो अभी डेंगू के जो केसेज हैं पिछले 4 हफ्तों से, जिनसे हम बात करें कि यदि 25/9/2023 के बाद से लेके जो हमारे एक हफ्ते में 37 केस आए थे, हफ्ते वो घटकर हमारे 11 केस रह गए हैं। और जो हमारे मलेरिया के केस थे, वो जो हमारा आखिरी केस था 29/9/2023 को आया था बाबा से, बाबा पीएचसी से। उसके बाद हमारा कोई भी मलेरिया का केस पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। और उसके बाद यदि हम बात करें कि भाई डेंगू और मलेरिया की वजह से हुई किसी मृत्यु घटना के बारे में, तो ऐसी कोई भी डेंगू और मलेरिया की वजह से कोई किसी तरह की क्षति या मृत्यु की घटना नहीं हुई। और इसके साथ साथ हमने अपनी जो अर्बन की टीम है उनके साथ मिलके लोगों को अवेयर भी किया है कि आप मलेरिया डेंगू के बारे में कंट्रोल के बारे में थोड़ा करो, और जो लोग नहीं मान रहे उनको हमने चालान भी किए। अब तक हमने लगभग अर्बन एरिया में 10 के करीब लोगों के चालान किए हैं, जिनके घर में मच्छरों के लार्वा पाए गए थे। और ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी जब तक कि ये हमारी स्थिति पूर्णतः कंट्रोल में आ जाए। हमारे इस 371 केस हैं हमारे अभी तक के, जनवरी से लेके और आज की तारीख की बात करें तो 20 तारीख तक। और मलेरिया के केस थे हमारे अब तक 9 केस आए हैं जनवरी 2023 से लेके और अब तक के। और एरिया की जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है हमारा